तो सेकंड हम डिस्कस कर लेते हैं। राहुल वॉक्स 12 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, फ्रॉम देयर ही वॉक्स 8 मीटर टुवर्ड्स साउथ एंड देन 3 मीटर टुवर्ड ईस्ट। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। इस टाइप के सवाल भी अक्सर एग्जाम में जरूर आते हैं। तो चलिए इसका हम डायग्राम सबसे पहले बना लेते हैं। पहला सेंटेंस क्या है, राहुल वॉक्ड 12 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो हम इस पॉइंट से शुरुआत करेंगे। इस पॉइंट यानी सेंट्रल पॉइंट से राहुल जो है नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है और ये डिस्टेंस है 12 मीटर का। दिस इज 12 मीटर। अब राहुल नॉर्थ में पहुंचा, फ्रॉम देयर ही वॉक्स 8 मीटर टुवर्ड्स साउथ। यानी कि नॉर्थ में जाने के बाद फिर अगेन राहुल साउथ की तरफ मूव कर रहा है 8 मीटर। यानी कि इस पॉइंट से फिर वापस आ रहा है और 8 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी कि पूरा 8 मीटर हो गया। अब ये जो रिमेनिंग रहा, क्योंकि ये पूरा जब हम नॉर्थ की तरफ गए थे तो पूरा डिस्टेंस था 12 मीटर का, अब वापस वो साउथ की तरफ आके उसने डिस्टेंस कवर किया 8 मीटर का, यानी कि रिमेनिंग डिस्टेंस बचा 4 मीटर का। अब इस पॉइंट में आने के बाद देन 3 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, यानी इस पॉइंट में आने के बाद उसने साउथ में आने के बाद इसने फिर ईस्ट की तरफ को 3 मीटर को मूव कर रहा है। 3 मीटर ईस्ट की तरफ को मूव करेगा। दिस इज 3 मीटर ईस्ट। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट से, क्योंकि आपका स्टार्टिंग पॉइंट था राहुल जो अब है वो कितनी दूरी पर स्थित है। तो चलिए यानी हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि जब हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, यानी हमें ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम पाइथागोरस का इस्तेमाल करते हैं। आप देखेंगे ये 3 मीटर है और ये जो डिस्टेंस है पूरा ये आपके पास 4 मीटर हो जाएगा। ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, तो हमें ये वाला पॉइंट निकालना है। उसके लिए मैंने बताया था आपको फार्मूला, यानी कि अगर हम इसको एसी पॉइंट लेते हैं तो एसी पॉइंट हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी आपके पास क्या है 3 मीटर, बी सी क्या है 4 मीटर, तो ये 9 प्लस 4 स्क्वायर होता है 16, यानी कि 25 हो जाएगा, अंडर रूट 25। और आप जानते हैं कि 25 का अंडर रूट 5 मीटर, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 मीटर।